ओके तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप, और इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास वैसे तो बहुत सारे मेन्यूज हैं और उनके बहुत सारे संभलने के पर्पज हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उसके लिए कुछ डमी डेटा बनाता हूँ। यहाँ पे मैं वन लिखूंगा और वन लिखने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस सेल को बिल्कुल कॉर्नर से आप ड्रैग करेंगे तो इसमें वन की इंक्रीमेंट होती रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस तरह से आप कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद मैं यहां पे नाम वगैरह लिख देता हूं एबीसी, ठीक है। ये स्टूडेंट के नाम हम कंसीडर कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से सब्जेक्ट वन के मार्क्स है, मैं यहां पे आके लिख देता हूं फॉर एग्जांपल इसने जो है 20 उठाए हैं, 30 उठाए हैं, व्हाटएवर जो उठाए हैं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पास ये जो डेटा है, अब मैं इसको यहां से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है डेटा कुछ लिख दिया, ऑफ्टन मार्क्स हम खुद निकाल लेंगे। तो मेरे पास ये तीन सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री। अच्छा, किसी सेल को यहां से आके आपने क्या करना है, ऑलरेडी देखें फोर लिखा हुआ, इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर लेंगे सेल में, तो फिर अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। वरना अगर आप डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक करेंगे और जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो ऑलरेडी लिखा हुआ टेक्स्ट होगा वो नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जो सेल में अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है, सही है, उसमें ही अगर आपको कोई और चीजें ऐड करनी है, आप चाहते हैं वो भी रहे और मुझे कुछ और ऐड करना है, देन यू मस्ट हैव टू डबल क्लिक या F2 लगा दिया है। क्या लगा लो? F2 सेल के ऊपर क्लिक करके, या आप उसके पास कर्सर लेके जाएं और यहां पे आके F2 लगा दें। F2 लगाएंगे और यहां पे आके आप क्या कर देंगे, सेल 3 लिखना है, तो उसी सब्जेक्ट को लिखा हुआ था, बाकी मैंने 4 को हटा के क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अच्छा जी, ये थे मेरे पास सब्जेक्ट 3। अब मैं यहां से आके इनको जो है नीचे करता हूं, क्या कंट्रोल के साथ में नीचे जो है इसको ड्रैग करता हूं, लेकिन अभी नहीं होगा, आपको वन बाय वन कॉलम को उठाना पड़ेगा इस तरह से। मैं कंट्रोल के साथ कर रहा हूं, देखिए वन की इंक्रीमेंट हो रही है ना, यानी 20 फिर 21 इस तरह से। लेकिन आप चाहते हो नहीं इसमें एक से ज्यादा इंक्रीमेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल में जाना पड़ेगा जो सेल्स सॉरी कौन सा एडिटिंग ग्रुप है उसके अंदर है, और यहां पे आके आप क्या करेंगे, सीरीज में जाएंगे, यानी सिलेक्ट करना जरूरी है। सीरीज में जाने के बाद यहां से आप बताएंगे कि आपको कितनी स्टेप्स की वैल्यू बढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैं चाहता हूं मुझे अभी वन की नहीं, कितनी, 4 की बढ़ानी है, 10 की बढ़ानी है, जो आप चाहेंगे बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 की बढ़ानी है और मैं ओके कर देता हूं, तो इस तरह से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये 10 की इंक्रीमेंट करेगा, सही है। इसी तरह से मैं 34 को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ नीचे लाऊंगा। अच्छा, कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो यही सेल का डेटा नीचे वाले सेल्स में कॉपी होगा, सिर्फ क्या होगा, कॉपी होगा बजाय इंक्रीमेंट के, अगर आप कंट्रोल क्लिक नहीं करेंगे तो। कंट्रोल के साथ अगर आप इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो फिर इंक्रीमेंट होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और फिर आप चाहें तो यहां से फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और बताएंगे कि एक की इंक्रीमेंट नहीं, मुझे फॉर एग्जांपल 5 की करनी है तो 5 की कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी तरह से 45 है, मैं इसको कंट्रोल के साथ नीचे लाता हूं और यहां पे आके ठीक है और इसकी इंक्रीमेंट करवाता है। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर जो इंक्रीमेंट हो सीरीज में जाके मुझे करनी है कितनी, आई हैव टू प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 6। ओके करते हैं, तो देखिए 6 की इंक्रीमेंट हो रही है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर इसी तरह से ऑब्टेन मार्क्स अगर आपको निकालनी है तो यहां से आके आपको मालूम करना पड़ेगा सम का फार्मूला, और ये सम का फार्मूला आप यहां से भी डाल सकते हैं, यानी आप ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर ये जो कॉलम है इस पर क्लिक करें, ये देखें यहां पे नंबर ऑफ फार्मूलाज है, बहुत सारे है ना, तो यहां पे एक फार्मूला है सम का, जो जमा करने के लिए जोड़ने के लिए यूज होता है, सही है। इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है क्या यही वैल्यूज हैं जिनको आपने टारगेट करना है, तो हम बोल रहे हैं यस, इन्हीं को करना है, मैं ओके कर दूंगा तो ये सारी चीजों को सम कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर आप चाहते हैं कि यही सेल का डेटा, यानी ये जो फार्मूला अप्लाई किया बाकी सब पे भी अप्लाई हो जाए, ये जो बाकी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ बॉटम एरो के साथ आएंगे नीचे। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी पूरे सेल सिलेक्ट कर देना उसको मिला के, और फिर आप लगा देंगे कंट्रोल प्लस डी। क्या लगा देंगे? कंट्रोल प्लस डी, तो ये डुप्लीकेट कर देगा सारे के सारे फार्मूले को बाकी सेल्स के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर?
या दूसरा तरीका यह है कि इसको सिलेक्ट करो और यहां से आके बस इसको कंट्रोल वगैरह प्रेस नहीं करना, इसको नीचे ड्रॉप कर दो। तो मैंने बताया ना कि आपका ये सेल ऊपर वाला नीचे में पेस्ट कर देगा सारी चीजों को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपको परसेंटेज मालूम करनी है, तो परसेंटेज के लिए वैसे फार्मूला भी आता है परसेंटेज का, लेकिन मैं अभी उसको मैन्युअली करके बता देता हूं। सही है? तो इसके लिए मैं यहां पे आता हूं, यहां पे इसको बता देता हूं कि मेरे पास क्या करे, ब्रैकेट स्टार्ट की, ऑब्टेन मार्क्स मेरी ये है। सही है? ऑब्टेन मार्क्स के बाद मुझे क्या करना है, यहां पे आके ओके, फिर मुझे क्या करना है, डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स से। तो मेरे तीन सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है, तो मैं खुद ही जो है एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूं 300, कि ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड किया किसके साथ, टोटल मार्क्स के साथ, और ब्रैकेट क्लोज की और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये मुझे क्या दे देगी, परसेंटेज दे देगी, ये वाली जो है फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये मुझे 33% एक स्टूडेंट की मिल रही जिसका नाम ए है, और यही फार्मूला मुझे नीचे जो है वो क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। तो सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, तो सब में परसेंटेज की ये सारी चीजें आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस तरह से फिर आप चाहते हो कि मेरे पास काउंट करे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं यहां पे टोटल स्टूडेंट्स काउंट करने के लिए इसको जो है पूछ लेता हूं। मैं यहां पे आके बोलता हूं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, और मैं इस सेल को एडजस्ट करना चाहता हूं। ये देखिए आगे जा रहा है ना, तो अब यहां से आके ऑटोमेटिक क्या कर रहे होते हो, ऐसे कर रहे होते हो, है ना? तो इससे बेहतर है आप ये जो दोनों सेल्स के बीच में लाइन आ रही है इस पर डबल क्लिक करो, जितना डेटा होगा उस लिहाज से एडजस्ट कर लेगा। यानी देखें, ए इतनी छोटी वैल्यू है लेकिन इतना सारा स्पेस घेरा हुआ है ना, क्योंकि नाम भी इसी में। तो एक काम करो, इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करो और यहां से आके डबल क्लिक कर दो एक पे, तो जितना डेटा उतनी एडजस्टमेंट कर लेगा ये। कौन सा क्लियर है? इसी तरह से अगर आपको लगे कि कोई रो की हाइट बढ़ी है, फॉर एग्जांपल मैंने बढ़ा दी है ना, तो इस पूरे सेल आप जो है क्या करो, इन सारे जो है क्या कर दें, रोज को सिलेक्ट कर लें और डबल क्लिक करते हैं, जितना डेटा होगा उस लिहाज से एडजस्ट कर लेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा पूरी शीट में हो, फिर पूरी शीट में ऐसे रो ऐसे कॉलम हो तो क्या करोगे? फिर आपको पता है दोनों रोज एंड कॉलम्स के बीच में एक सेल नजर आता है, ये वाला जो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट कर देता है। आपको मैं दिखाऊं, पूरी शीट सिलेक्टेड है, ये देखें। अगर मैं कंट्रोल ए करके पूरी शीट सिलेक्ट करता हूं ना, सिलेक्ट ऑल करके, इसी तरह से जो दोनों कॉलम्स और रोज के बीच में एक सेल है ना, ये पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। सही है? फिर मैं क्या करूंगा, पूरी शीट सिलेक्ट करके किसी भी कॉलम के जो बीच में लाइन आ रही है उस पर डबल क्लिक करूंगा, और किसी भी रो के ऊपर जो ये बीच में लाइन आ रही है इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो सारे रो सारे कॉलम जितने भी शीट में है वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। जितना डेटा होगा उतनी वो विड्थ उतनी हाइट एडजस्ट कर लेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसी तरह से मुझे फिर क्या करना है, अब मुझे काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो मैं यहां पे आके इसको जो है क्या कर देता हूं, सिलेक्ट करता हूं, मर्ज एंड सेंटर करता हूं, यहां पे बता दूंगा कितने मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, इन फार्मूलाज के अंदर जाऊंगा, यहां पे आता है काउंट नंबर्स, आ रहा, इस फार्मूले को चूज करूंगा, और ये देखिए ऑटोमेटिक फार्मूला आ चुका है। ये बोला वैल्यूज दो, मुझे रेंज दो कहां से लेकर कहां तक है। मैं बोला ये टोटल स्टूडेंट काउंट करके बताओ, और मैं जैसे ही ओके करूंगा मुझे बता देगा, अच्छा जी, तो यहां से आके आप खुद लिख लो बोला, अगर समझ में ना आए काउंट, फिर यहां से आके ये नंबर ऑफ जो है आपने, या ये नंबर बता दो सीरियल नंबर्स, और यहां से आके एंटर कर लिया, तो आपको बता देगा टोटल स्टूडेंट कितने, 8 है। इसी तरह से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैं यहां पे आगे लिखूंगा, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है। तो इस सेल में मैं वैल्यू दिखाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, इज इक्वल टू एम एक्स मैक्सिमम, जो यहां से भी फार्मूला दिखेगा, मैक्सिमम का भी मिनिमम का भी, श्योर है? यही फार्मूला मुझे यहां पे आके क्या करना है, इज इक्वल, अच्छा हर फार्मूले में इज इक्वल देना जरूरी है सबसे पहले, फिर आप लिखेंगे एम एक्स, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मुझे मालूम करनी है ना कि सबसे बड़ी परसेंटेज किसकी है, और फिर मैं क्या करूंगा, पूरे इस परसेंटेज के कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा, और यहां से आके मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो मुझे बता रहा है 82 सबसे बड़ी परसेंटेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो?
फिर सबसे छोटी परसेंटेज जो है वो किसकी है, तो मिनिमम यहां से आके इज इक्वल टू एम आई एन, और फिर मैं इसको पूरे सेल्स सिलेक्ट करके दे दूंगा जिनमें से मुझे मालूम करना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। फिर मैं जैसे एंटर करूंगा तो मुझे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 33 है ना। अब अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो छोटे से जो है वो रेंजेस के अंदर डेटा है, तो मुझे मालूम खुद ही पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन कल को अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, मुझे किसे पता चले कि किसकी सैलरी सबसे बड़ी है किसकी सैलरी सबसे छोटी है, सही है। तो हम ये वाले फार्मूलाज यूज कर लेते हैं। इसी तरह से यहां पे आपके पास आता है कौन सा, एवरेज। अब आपको पता है एवरेज किस तरह से मालूम की जाती है, फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर होते हैं ना, ठीक है, या 6 नंबर होते हैं, तो एक्चुअल में एवरेज को मालूम करने का कुछ इस तरीके से मकसद होता है। एवरेज मालूम की जाती है इस तरह से कि एक्चुअल में हमारे पास जो वैल्यू हम मालूम करते हैं, मैं आपको समझाता हूं, इस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो डिजिट है वो ये है, समझ लें कि मेरे पास जो है 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ये डिजिट है, मुझे इनकी एवरेज मालूम करनी है। एवरेज होता है ना, एवरेज, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इनकी एवरेज मालूम करने के लिए पता है क्या होगा, इन सबको मैं सम करूंगा, क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स, एंड यहां पे मैं लिखूंगा कि ऑल नंबर्स, काउंट ऑफ ऑल नंबर्स। अब काउंट ऑफ ऑल ये क्या होता है, 4 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 9, 9 प्लस 6 15 प्लस 7 22, और ये खुद कितने टोटल, 1 2 3 4, तो मैं क्या करूंगा 22 डिवाइडेड बाय 4, तो ये एक्चुअल हमारा फार्मूला होता है एवरेज का, सही है। लेकिन एक्सेल ने हमें ये सारी चीजें कर दी है। फॉर एग्जांपल हम 22 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 22 को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, इज इक्वल जरूर लगाएंगे, 22 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो क्या आ रहा है, 5.5। अब ये हम मालूम करते हैं किसके थ्रू, एवरेज के फार्मूले के थ्रू, सही है। इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे कंप्लीट वर्ड, ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर मैं इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, क्या आ रही है एवरेज, समझ में आ रहा है। जो हम अलग से खुद सम कर रहे थे, फिर खुद काउंट कर रहे थे नंबर कितने हैं, ये खुद ब खुद कर लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। और आपको एवरेज का फार्मूला इस तरह से टोटल एवरेज बता देता है, होता है ना कि एवरेज क्या चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी क्या है, हमें पता है कि सबसे छोटी सैलरी ये है, बड़ी ये है, लेकिन मेजॉरिटी सैलरीज कितनी होती हैं, फॉर एग्जांपल 50,000 ज्यादातर एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी 50,000 है, तो वो एवरेज होती है ना, कि एवरेज क्या है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये कुछ 5 फार्मूलाज थे जो हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं हर जगह पे, जो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, फिर मोर फंक्शन पे जाएंगे तो आपके हजारों जो है एक्सेल के अंदर फार्मूलाज है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से हमारे पास ये तीनों हमने कवर कर लिए, नहीं क्लियर रहता है। अच्छा, क्लियर में ये होता है कि आपने अगर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह का टेक्स्ट अप्लाई किया है तो फॉर्मेटिंग डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूरा रो है जिसपे मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, सेल के कलर, ये वो सारी चीज अप्लाई की हुई है, तो क्लियर में जाऊंगा मैं, यहां से आके क्या आ रहा है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, ये आ रहे हैं लिंक्स वगैरह, तो हाइपर लिंक्स वगैरह आपने पढ़ी थी वर्ड के अंदर, तो आप उनको डिलीट कर सकते हो अगर आपके इन एक्सेल की शीट्स में लगी हुई है लिंक्स। आप कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं अगर आपने कमेंट डाले हुए, आपको पता है कमेंट कैसे डालते हैं। उसके बाद कॉन्टेंट यानी डेटा ही डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला डेटा है ना, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, सिलेक्ट करूंगा और यहां से आगे क्या कर दूंगा, क्लियर Content. तो देखिए डेटा डिलीट कर दिया, सिर्फ डेटा डिलीट करना। फिर एक होता है सिर्फ फॉर्मेट डिलीट करना, डेटा वहीं रहे, यानी डेटा को कुछ नहीं होना चाहिए, जो उसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई हुआ है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो यहां से आगे क्या कर देंगे, क्लियर फॉर्मेट्स। तो देखिए उसके ऊपर जो कलर्स ये वो सारी चीजें थी वो हट गई, बाकी क्या बचा, हमारा डेटा बचा वो वही है। लेकिन आप चाहते नहीं, मुझे डेटा और पूरी की पूरी चीजें डिलीट करनी है, यानी फार्मूलाज, डेटा, एवरीथिंग, देन यू मस्ट हैव टू यहां पे आके क्लियर ऑल, तो आपकी सारी की सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, फॉर्मेट, कंटेंट, लिंक्स, व्हाट एवर द डेटा इज, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह से
फिर मैं कंट्रोल जी करके वापस लाता हूं, फिर आता है हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसको, सॉर्ट एंड फिल्टर। अच्छा, सॉर्ट एंड फिल्टर में ये होता है हमारे पास कि आप जो है यहां पे देखें आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जांपल अभी जो मेरे पास परसेंटेजेस शो हो रही है वो क्या शो हो रही है, स्मॉल टू, है ना। मैं यहां से आके कर देता हूं इसको सॉर्ट, सॉर्ट होता है, मैं यहां से आके कर देता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर लाओ सबसे छोटी वैल्यू नीचे लाओ। तो मैं ऐसे करूंगा, ये बोला एक्सपेंड कर दूंगा सिलेक्शन को, मैं बोलूंगा इसी के साथ जाओ जो मैंने अभी सिलेक्ट की है। बोला ओके नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीजें फार्मूला लगे हुए हैं। मैं कुछ वैल्यूज करके दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 समझाने के लिए, सही है। ये मेरे को डिजिट है, मैं इनको सॉर्टिंग करना चाहता हूं, सिलेक्ट करूंगा यहां से आके सॉर्ट करूंगा। अब देखें क्या है, अभी है क्या स्मॉल टू लार्ज है ना, मैं लार्ज टू स्मॉल करता हूं, ओके करते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल। ये देखें आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और फिर दूसरा है हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैं सिलेक्ट करता हूं और सॉर्टिंग करते हैं यहां पे, तो सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस तरह से आते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद सिलेक्शन, ये देखें कर लिया उसने कि जो बड़ी वैल्यू होगी ऊपर आ जाएगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। इसी तरह से यहां से आके आप उसको उल्टा कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो फिर करंट सिलेक्शन आपको देनी है, वरना ये पूरी सिलेक्शन सिलेक्ट कर देता है इस तरह से। कौन से क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से आपके फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स किस लिए मैं समझाता हूं। अब फिल्टर इसलिए दिए जाते हैं कि आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं फिल्टर करते हैं, फिल्टर करना यानी सर्चिंग करना उसकी। तो मैं यहां पर आके बोलूंगा इसको क्या दे दो, फिल्टर दे दो, फिल्टर में देता हूं। तो देखें हर सेल पे क्या शो रही है, पॉइंट शो रही है इस तरह से, इस पे क्लिक करोगे तो आपकी स्ट्रेचिंग होती है। मैं समझाता हूं, अब पूरे स्टूडेंट्स का डेटा शो हो रहा है ना, फिल्टर्स में ये होगा कि यहां से आके आप सिर्फ जो है सिलेक्ट ऑल नहीं, सिर्फ आपको एक ही चीजें देखनी है, तो ओके कर दें, सिर्फ एक का डेटा दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चार बैचेस पढ़ाता हूं, चारों बैचेस का रिकॉर्ड एक ही शीट में एडजस्ट है, तो मैं सिर्फ एक, अगर मुझे क्या देखना है, एक बैच का रिकॉर्ड देखना है, तो मुझे यहां पे आके क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। कौन से कॉलम पे, बैच वाले कॉलम पे। तो मैं वो बैच सिलेक्ट कर दूंगा तो उसी के सारे स्टूडेंट दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिटीज के कॉलम को भी आप जो है फिल्टर लगा सकते हैं, जहां पे कैटेगरीज आती है ना वहां पे आप दे सकते हो, जैसे प्रोडक्ट्स होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस तरह से। फिर होता है फाइंड एंड सिलेक्ट, तो यहां से आके आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एफ लगा के फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, गो टू भी कर सकते हैं, गो टू स्पेशल कर सकते हैं, ये सारी चीजें। मैं समझा दूं कैसे फाइंड, तो किसी भी वैल्यू को यहां से आके फाइंड कर सकते हैं, मुझे ए वाली चीज फाइंड करनी है, यहां से आके फाइंड कर सकता हूं। देखिए उसने पॉइंट कर लिया है कि यहां पे जो है वह ये है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑलरेडी सिलेक्टेड था ना वो कॉलम, तो इसी वजह से, ठीक है। मैं यहां से आके फिल्टर हटाता हूं, सिलेक्ट ऑल करूंगा, ओके कर दूंगा, तो सारी चीजें दिख रही हैं। मैं फाइंड पे क्लिक करता हूं और मुझे जो है सिलेक्ट करना है कि मुझे जो है जी मालूम करके दें कहां पे, फाइंड करूंगा तो ऑटोमेटिक मुझे बता देगा कि जी कहां पे, सही है। ये देखें पॉइंट कर लिया उसने, क्योंकि परसेंटेज में भी जी थी, हर जगह पे जी थी ना, तो आपको वहां पे दिखा रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और आपको चाहिए कि किसी चीज को उसकी जगह पे कोई और चीज डालनी है, मैं यहां पे आता हूं कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए यूज करते हैं, तो मैं चाहता हूं जी की जगह पे मुझे ना यहां पे समझ लो के डी पुट करनी है, आप समझ लें के पुट करना है, तो मैं यहां पे आके क्या कर दूंगा, रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ये होता है कि जो एक चीज लिखी हुई है उसी एक चीज को हटाओ, दूसरी चीज एड कर दो। और दूसरा आता है रिप्लेस ऑल, कि जहां जहां पर भी जी नजर आ रही है सब जगहों पर क्या एड कर दो, के एड कर दो। तो मैं अभी एक को रिप्लेस करता हूं, देखें क्या कर दिया उसने, जी की जगह पे के पुट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आता है यहां पे आके सिलेक्ट, तो यहां से आके आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इवन गो टू, जैसे होता था ना एक पेज पे दूसरे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, पैराग्राफ पे जाना, लाइन नंबर पे जाना, इसी तरह से यहां से आके आप गो टू भी कर सकते हैं। श्योर है, किसी रेफरेंस पे जाना या किस तरह की चीजों पर आपको जाना है तो आप यहां से आके गो टू कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये थी कुछ चीजें जो हमारे पास एक्सेल के होम टैब के अंदर एडिटिंग के इस ग्रुप के अंदर थी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम इंसर्ट से शुरू कर लेंगे।